देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कल्पना गौतम। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ कहते हैं कि जातियां खत्म हो गई हैं, जहां एक तरफ कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, जहां एक तरफ कहते हैं कि सब एक समान हो गए हैं, वहीं लगातार इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो लगातार वायरल होता है। वहीं दूसरी तरफ लगातार शर्मसार करने वाला जो मामला है लगातार बढ़ता ही जाता है। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में शर्मनाक मामला सामने आया है। जी आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में अनुसूचित जाति की विधवा और युवक के साथ अमानवीय सलूक किया गया। जी हां, आपको बता दें कि ग्रामीणों ने शुक्रवार की रात दोनों का सिर मुंडवा दिया व चेहरे पर काली पोतने के बाद दोनों को जूते और चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया। जी हां, आपको बता दें कि इस तरीके की जो घटना है अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 6 नामजद व 16 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जी हां, आपको बता दें कि ये पूरा मामला गांव सिकंदरपुर निवासी युवक के प्रेम संबंध का था। जी हां, आपको बता दें कि महिला के पति की मौत हो चुकी थी, तभी से वे अपने 3 बच्चों के साथ युवक के साथ ही रह रही थी। उधर युवक की पत्नी भी काफी समय पहले 2 बच्चों को छोड़कर मायके जा चुकी थी, तभी से दोनों के बीच प्रेम संबंध था जो कि महिला के परिजनों को पसंद नहीं था। जी आपको बता दें कि शुक्रवार की रात युवक और महिला घर पर ही थे, तभी वहां पर ग्रामीण आ गए और आरोप है कि उक्त लोग दोनों को घसीटते हुए घर के बाहर ले गए और गांव के चौक पर बैठा दिया। आरोपियों ने पहले तो महिला और युवक का सिर मुंडवा दिया, इसके बाद मुंह पर कालिक पोत दी व कुछ ग्रामीण जूता चप्पल की माला लेकर आए और दोनों के गले में डाल दी। इस बीच दोनों की पिटाई भी की गई, महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश भी की गई। जी हां, आपको बता दें कि दोनों को बेइज्जत करने के लिए गांव में भी घुमाया गया। जी हां, हम कह सकते हैं कि जातिवाद अभी भी पूरी तरह चरम पर है। जी हां, हम कह सकते हैं कि जातिवादी मानसिकता पूरे प्रदेश में व्याप्त है। इसका जीता जागता उदाहरण हम अनुसूचित जाति की विधवा और युवक के इस घटना से ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपडेट के लिए आप देखते रहिए बीसीएनसी न्यूज। इसी के साथ मैं कल्पना गौतम।